नमस्कार दोस्तों मैं सिर्फ से प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ ए में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे घर पर होंगे सुरक्षित होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ तो ये जो वीडियो है इस पर आपका हाल ही में एक कॉम्पिटिशन होने जा रहा है जिसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है तो आपको जो वीडियो का टॉपिक दिया गया है उसी के ऊपर मैंने ये ऐसे तैयार किया है दोस्तों अगर ये आपको ये मेरे द्वारा लिखा गया ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पेट्रोट्रिज इज़ अ फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ऑन कंट्री it is desired to serve it in all conditions it brings the people of a country closer it makes them have common aim i can really contribute towards my country being a citizen or a member of the society community or a country need some duty to be performed in the individually everyone has to perform their duty of a citizenship in the country इन द ऑर्डर प्रोवाइड ब्राइट फ्यूचर आ कंट्री इज़ अ बैकवर्ड पुअर और डेवलपिंग एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन इट्स सिटीजन स्पेशली इफ आ कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें कि आप बताएँगे कि जो कंट्री है वो कैसे डेवलप हो सकती है और आपकी कंट्री कैसी है तो अगर आपकी कंट्री एक डेमोक्रेटिक एक स्वतंत्र एक लोकतंत्र कंट्री है तो उसके डेवलपिंग के लिए आपका सहयोग हर एक सिटीजन का सहयोग बहुत ही जरूरी होता है हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटीज़ निभानी चाहिए तो इसी तरह अब आगे देखते हैं आई एम लक्की टू बॉर्न इन इंडिया विच इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री द इंडिया

पर एक सपनों का भारत जिसे भी कहा जाता है जहाँ पर आज वूमेन्स हैं जो वो काफ़ी हद तक सेफ हैं फ्रीली सड़क पर घूम सकती हैं स्वतंत्र हैं और सभी को समानता का अधिकार है और सभी अपने जो कल्चर हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं उसको मना सकते हैं ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द कंट्री बी आर द मॉरल कमिटेड एंड द कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ और ग्रुप It must be understood by all the people of the country. India is a country which believes in the people of unity in diversity, where people of more than one religion, caste, creed, and languages live together. These are countries which are famous all over the world due to their culture, tradition, and historical heritage. However, ड्यू टू द इनरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स सिटीजन दे आर स्टिल काउंटेड एंड एज डेवलपिंग कंट्री तो इस तरीके से आप अपना जो थोड़ा कल्चर है उसके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिस्टोरिकल हेरीटेज है जो यहाँ का ट्रेडिशन है तो उसे हम संरक्षित करके रख सकते हैं अगर हम इेस्पॉन्सिबल पर्सन हैं इेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं तो हम उसको सेव करके फ्यूचर के लिए नहीं रख सकते तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी हैं एट लास्ट यू कैन राइट देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड प्यर वेल्थी पीपल नाइदर अंडरस्टैंड द डिग्निटी इज नोअर परफॉर्मेंस देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूअर्ड दैम they have forgotten their responsibility about the econ economic growth of the country. so uh, economic growth of the country uh, depends on which can be increased only by removing poverty from the country. everyone should help in the rise of backward people, in removing issue of the social struggle, in ending corruption by the shutting down dirty politics. एंड इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री तो इस तरीके से आप अपनी जो कंट्री है उसको डेवलप कर सकते हैं जब हमारे देश है जो जो हमारा कंट्री है उससे जो सोशल स्ट्रगल है सामाजिक संघर्ष जो चल रहा है इसको हटाया जाए करप्शन का एंड किया जाए और जो गंदी पॉलिटिक्स है गंदी राजनीति है इसको पूरी तरह से पारदर्शिता ईमानदारी में बदल दिया जाए तभी आपकी जो कंट्री है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो यही हो सकता है कि आप एक कुशल नागरिक बने देश को ऊंचाइयों की सीढ़ी पर लेकर जाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हर कंपटीशन से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके ऐसे के लिए ऐसे कॉम्पिटिशन्स के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए हर तरह से बेनिफिशियल हो सकती हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट करते रहें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच